हेलो फ्रेंड्स, कहा दुनिया से मैं विनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने चैनल में एक और बेस वेरिएंट की बात करूंगा जो कि अभी हाल में लॉन्च हुई निसान की एसयूवी सेगमेंट की किक्स के बेस वेरिएंट एक्सेल के बारे में। निसान किक्स एक्सेल में काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इस कार को परचेज करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें कवर किया इस कार के लुक्स के बारे में, यानी कार दिखती कैसी है और इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे। साथ में अपने इस वीडियो के एंड में मैंने इसके प्राइसिंग्स के बारे में भी डिस्कस किया है। तो चलिए और ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायमेंशंस की जानकारी दे देता हूं। लेंथ 4384 mm विथ 1813 mm, हाइट 1651 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का, यानी इसमें आपको एक अच्छा खासा हाई ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। अब इसको और अच्छे से जानने के लिए सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे एक्सटीरियर्स को। तो यहाँ फ्रंट में आप देख सकते हैं ये निसान का क्रोम फेस में बैजिंग दे रखी है। ये की गई है वी मोशन सिग्नेचर क्रेडिटर ग्रिल के ऊपर, जो कि सपोर्ट करती है इस कार की फ्रंट की स्टाइलिंग को। यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे, ये बेस वेरियंट एक्सेल होने की वजह से फॉग लैंप्स नहीं दे रखे हैं, उसके बदले यहाँ पे मिल जाएंगे इसके फॉग लैंप्स को लगाने के स्पेस। हेडलैम्प पे नजर मारेंगे तो इसके हेडलैम्प दिए हुए नॉर्मल रिफ्लेक्टर हैलोजन बेस्ड, और उसी में दे रखे हैं स्लीक एलईडी डीआरएल्स, और इन डीआरएल्स के नीचे दिए हुए हैं फ्रंट के टर्न इंडिकेटर्स। ये तो बात हो गई किक एक्सेल के फ्रंट की। चलिए अब चलते हैं इसके साइड में, उसके साइड को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ नीचे की तरफ मिल जाएंगे आपको R16 inch के स्टील व्हील्स। ये बेस वेरिएंट में अलॉय व्हील्स ना हो के यहाँ पे स्टील व्हील्स दे रखे हैं, जिसके ऊपर लगे हुए हैं सिल्वर फिनिश के प्लास्टिक बेस्ड फुल व्हील कैप्स। इन व्हील्स के ऊपर देखेंगे तो ब्लैक रंग की एक क्लैडिंग दे रखी है, जो कि आगे से लेके फॉलो करते हुए पीछे के व्हील्स तक जाएगी। इसके आउटसाइड मिरर्स डोर माउंटेड दे रखे हैं, जो कि बॉडी कलर में आते हैं, और उसी में दिए हुए साइड के टर्न इंडिकेटर्स। हैंडल्स पे भी ध्यान देंगे तो इसके आउटसाइड हैंडल्स भी बॉडी कलर पे ही दे रखे हैं, यानी आप कोई भी कलर की कार परचेज करेंगे आउटसाइड हैंडल्स एंड मिरर्स आपको उन्हीं कलर्स में मिलेंगे। चलिए अब चलते थोड़ा और पीछे की तरफ और नजर मारते हैं इसके सी पिलर पे। तो यहाँ सी पिलर पे ब्लैक रंग का पेंट किया गया, ये टेक्सचर डिजाइन जो है साइड के भी इस कार को और ज्यादा स्टाइलिश बनाता है। टेल लैंप इसके बहुत ही खूबसूरत दे रखे हैं, ये उभार दिए हुए टेल लैंप है जिसका कुछ पोर्शन इस कार के साइड तक फॉलो करता है। ये बूमरैंग पैटर्न पे डिजाइन किए गए टेल लैंप्स पूरी मदद करते हैं इस कार को रियर से भी एक स्टाइलिश लुक देने में। पीछे की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ मिल जाएंगे किक का एम्बलम, जो कि अगेन क्रोम फिनिश में दिया हुआ है। बैक में भी मिडिल पे दी हुई है निशान की ब्रांडिंग। रियर बंपर्स पे ध्यान देंगे तो ये ड्यूअल टोन कलर पे आते हैं, ऊपर की तरफ बॉडी कलर और नीचे ब्लैक पोर्शन, और उसी में मिल जाएंगे सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर्स। बेस वेरिएंट एक्सेल में ही डिफॉगर्स दे रखे हैं, डिफॉगिंग लाइंस को आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया हुआ है, और उसी में मिल जाएगा एलईडी बेस्ड हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। इसके रूफ पे ध्यान देंगे तो इसी वेरिएंट से शार्क फिन एंटीना देखने को मिलेगा, जो कि स्टैंडर्ड किया हुआ है। तो ये तो बात हो गई इस कार के साइड एंड रियर प्रोफाइल की। चलते अब इसके टेल गेट को ओपन करके इसकी एक नजर बूट पे मारते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं इसके टेल गेट को, और टेल गेट ओपन करने के बाद आपको सामने की तरफ मिल जाएगी रियर पार्सल ट्रे, जो कि इस कार में कंपनी फिटेड आती है। नीचे बूट पे ध्यान देंगे तो इसमें एक सफिशियंट 400 लीटर्स का बूट स्पेस दिया हुआ है, और इसमें बूट लैंप्स भी बेस यानी एक्सेल वेरिएंट से देखने को मिलेगा। इसका स्पेयर व्हील को ओपन करने के लिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये बोल्ट दिया हुआ है। इसको जब रोटेट करेंगे तो इसका जो स्पेयर व्हील है वो नीचे की तरफ फिट किया गया, ये देख सकते हैं इसका स्पेयर व्हील नीचे की तरफ लगा हुआ है। इस बोल्ट को जब रोटेट करेंगे तो इसका स्पेयर व्हील नीचे आएगा, जिससे आप इजिली इसके स्पेयर व्हील को निकाल पाएंगे, और ये स्पेयर व्हील भी R16 inch में ही दिया हुआ है। चलिए बंद करते हैं इसके टेल गेट को, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इस कार में आपको मिलेंगी रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली ये दोनों कीज, और इनकी दोनों कीज में ही रिमोट लॉक दिया हुआ है। ये दोनों कीज में लॉक अनलॉक का बटन दे रखा है। बैक साइड पे देखेंगे तो निसान की क्रोम फिनिश में ब्रांडिंग दी हुई है। ये दोनों ही कीज आती हैं फैक्ट्री फिटेड इंजन इमोबिलाइजर के साथ, यानी इन कीज में एक सिक्योरिटी फीचर लगा हुआ है। अगर इन कीज की कोई भी डुप्लीकेट कीज बना लेगा तो वो इस कार के इंजन को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। चलिए अब अनलॉक करते हैं इस कार को और ओपन करते हैं डोर्स को। डोर्स को ओपन करने के बाद नजर मारते हैं इसके इंटीरियर्स में। तो यहाँ इंटीरियर को आप देख सकते हैं ये ऑल ब्लैक कलर में दिया हुआ है। बैक में चल के इसके बैक इंटीरियर्स की झलक मारते हैं तो ये भी देख सकते हैं पूरा ऑल ब्लैक कलर में दे रखी है। रूफ का कुछ पोर्शन बेज कलर में दिया हुआ है। रियर डोर्स पे ध्यान देंगे तो इसके रियर डोर्स में मिल जाएगा सॉफ्ट कुशनिंग के साथ आर्म रेस्ट। यहाँ पे रियर पावर विंडो का ये स्विच लगा हुआ है। इनसाइड डोर हैंडल्स को देखेंगे तो ये मेटालिक पेंट फिनिश में दिए हुए हैं। नीचे की तरफ ध्यान देंगे तो मिल जाएगा वाटर होल्डर।
और म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स रियर डोर्स पे लगे हुए हैं। चलते हैं इसकी रियर सेटिंग्स को चेक करते हैं, तो उसकी रियर सेटिंग्स को देख सकते हैं। ये रियर सेटिंग आती है हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ और मिडिल वाले पैसेंजर के लिए भी इसमें एक इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं इसके रियर सीटिंग में बैठ के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए भी इसमें रियर एसी वेंट दे रखा है और रियर एसी वेंट के नीचे दिया हुआ है 12 वोल्ट का पावर आउट, जिसमें आप कोई भी 12 वोल्ट के अटैचमेंट को लगा सकते हैं। रही बात इसके लेग रूम की, तो मेरी हाइट 5'8" है। मेरे बैठने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कितना लेग रूम बचता है। और यहाँ मिडिल पे रूफ में मिल जाएगी इस कार की केबिन लाइट। बाकी एक झलक इसके और बैक सीटिंग पे बैठने के बाद इंटीरियर्स को देख सकते हैं। चलिए हम निकलते हैं वापस कार से और बढ़ते हैं आगे ड्राइवर्स डोर की तरफ। तो ड्राइवर्स डोर में भी देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा सॉफ्ट कुशनिंग के साथ ये आर्मरेस्ट। बाकी नीचे की तरफ देखेंगे तो आगे के दोनों डोर्स पे भी वाटर होल्डर्स एंड मैप पॉकेट दी हुई है और म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स आगे के दोनों डोर्स पे भी लगे हुए हैं। इन स्विचेस पे ध्यान देंगे तो ये सबसे पहला स्विच दिया हुआ है इसका चाइल्ड विंडो लॉक के लिए। उसके बाद ऑल फोर डोर्स पावर विंडो के स्विचेस मिल जाएंगे इसके ड्राइवर्स डोर्स पे ही। इसका जो ड्राइवर साइड का विंडो है वो वन टच ऑटो डाउन के साथ आता है, यानी एक बार टच करते पूरा विंडो ऑटो डाउन हो जाएगा यानी पूरा उतर जाएगा। और वन टच ऑटो अप भी दिया हुआ है, इसमें एंटी पिंच गार्ड लगा हुआ है, यानी कोई भी ऑब्स्टिकल्स आएगा तो ये विंडो वापस रोल बैक हो जाएगा। उसके आगे ध्यान देंगे तो इसके आउटसाइड मिरर्स के अंदर के ग्लासेस को एडजस्ट करने के लिए ये दिया हुआ है लीवर। बाकी इसके आउटसाइड मिरर्स को आपको मैन्युअली ओपन क्लोज करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल इस बेस एक्सेल वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेंगे। फ्रंट की दोनों सेटिंग्स पर ध्यान देंगे तो इसकी फ्रंट की दोनों सेटिंग की हेडरेस्ट भी हाइट एडजस्टेबल्स आते हैं। बाकी इसकी ड्राइवर सीट को भी मैं चेक करा देता हूं। उसके लिए मैं पहले इसके कवर को हटा देता हूं जिससे आप इसकी ड्राइवर सीट को प्रॉपरली देख पाए। कवर हटाने के बाद देख सकते हैं इसकी ड्राइवर सीट को एडजस्ट करने के लिए ये दो लीवर लगे हुए हैं, एक इधर साइड में और एक नीचे की तरफ। बाकी इस पे ड्राइवर सीट के में हाइट एडजस्टमेंट फीचर भी आता है, यानी इसकी ड्राइवर सीटिंग बेस एक्सेल वेरिएंट से ही 6-वे एडजस्टमेंट दे रखी है। सीटों की मटेरियल को चेक करेंगे तो ये फैब्रिक मटेरियल्स पे बनी हुई है। अब आप इसके डैशबोर्ड की एक झलक देख सकते हैं। बाकी मैं दूसरी साइड से भी इसके डैशबोर्ड को दिखा देता हूं। चलिए बैठते हैं इसके ड्राइवर सीट पे और एक्सप्लोर करते हैं इसके और ज्यादा फीचर्स को। तो ड्राइवर सीट में बैठने के बाद आपको सामने की तरफ मिल जाएगा 3-स्पोक इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। इसके स्टीयरिंग व्हील के बीच में भी निशान की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, वो भी क्रोम फिनिश में की हुई है। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो टिल्ट फंक्शन के साथ आता है, यानी आप इसके स्टीयरिंग को ऊपर नीचे अपनी ड्राइविंग या हाइट कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। किक एक्सेल में सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग्स लगे हुए हैं, एक स्टीयरिंग पे लगा हुआ है और एक फ्रंट पैसेंजर के सामने। बाकी इसमें फर्दर ABS, EBD एंड ब्रेक असिस्ट जैसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स भी दे रखे हैं। ड्राइवर नी के पास चेक करेंगे तो यहाँ पे ये दो लीवर दिए हुए हैं जो कि हेडलैम्प्स की बीम्स को एडजस्ट करने के लिए लगाए गए हैं। बाकी स्टीयरिंग के पीछे देखेंगे तो राइट साइड पे वाइपर का लीवर दिया हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड पे हेडलैम्प्स को ऑपरेट करने के लिए ये लीवर लगा हुआ है। ये रेस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिजाइन आपके सामने, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ RPM मीटर, राइट साइड पे दे रखा है फ्यूल गॉज। इसमें बीच में डिजिटली शो करेगी इस कार की स्पीड और ऊपर दे रखा है MID डिस्प्ले। इस MID डिस्प्ले की इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए राइट हैंड लीवर पे ये ऊपर की तरफ बटन दे रखा है, जिसको प्रेस करके आप इसके इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। चलिए एक नजर मार लेते हैं इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आती हैं। इसमें जैसे कि ये दिखा रहा है फ्यूल यूज्ड कितना हुआ है, इस कार का माइलेज क्या निकल रहा है, डिस्टेंस टू MT शो करता है, यहाँ पे एवरेज स्पीड को चेक कर सकते हैं, आउटसाइड टेम्परेचर दिखा रहा, उसी के बगल में डिजिटल क्लॉक दी हुई है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको इसके MID डिस्प्ले में देखने को मिल जाएंगी। चलिए अब चलते हैं इस कार के फ्रंट सेंटर कंसोल को चेक करते हैं। तो फ्रंट सेंटर कंसोल पे यहाँ टॉप पे देखते हैं आपको मिल जाएगा 2DIN का कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम। ये बटन बेस्ड म्यूजिक सिस्टम इसमें लगा हुआ है, जिसमें फोन कनेक्टिविटी दे रखी है जो कि ये ब्लूटूथ बेस्ड है। म्यूजिक सिस्टम के नीचे देखेंगे तो ट्रायंगल प्रिंट किया गया ये बटन लगा हुआ है हैजार्ड वार्निंग लाइट स्विच का, जिसको प्रेस करते इस कार के सारे इंडिकेटर्स ब्लिंक करने लगेंगे। उसी के बगल में दे रखा है सेंट्रल डोर लॉक के लिए ये बटन। निसान किक्स के बेस वेरिएंट एक्सेल से ही मिल जाएगा ऑटोमेटिक AC, जिसके ये टेम्परेचर देख सकते हैं मेंशन किए गए, यानी इसमें जो भी टेम्परेचर पे आप AC को सेट करेंगे ये अंदर केबिन में वो टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। ये आप ऑटो का देख सकते हैं बटन दे रखा है। ये फ्रंट एंड रियर डिफॉगिंग का बटन दे रखे हैं, ये एयर फ्लो को सेट करने के लिए बटन दिया हुआ है, कंप्रेसर को ऑन ऑफ करने के लिए AC का बटन दे रखा है, उसके नीचे दिया हुआ है एयर रिसर्कुलेशन को एडजस्ट करने का ये बटन। AC के नीचे फर्दर देखेंगे तो मिल जाएगा
पेन ड्राइव को लगाने के लिए यूएसबी पोर्ट और उसके नीचे दिया हुआ एक ऑक्सिलरी पोर्ट, ये दोनों म्यूजिक सिस्टम के लिए दे रखे हैं। और इनके बगल में मिलेगा एक 12 वोल्ट का फ्रंट का पावर आउट। ड्राइवर हेड के पास ध्यान देंगे तो उसका जो इनसाइड रियर व्यू मिरर है वो मैनुअल डे नाइट बेस्ड है। उसी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे सील बेल्ट रिमाइंडर का ये इंडिकेटर लगा हुआ है। फ्रंट की ये मैप लाइट्स को आप देख सकते हैं। ये फोन कनेक्टिविटी के लिए माइक दे रखा है और उसके ऊपर ये थर्मोस्टेट दिया हुआ है जो कि अंदर के एसी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। सनवाइजर्स को चेक करेंगे तो उसके पैसेंजर सनवाइजर्स के साइड पे एक वैनिटी मिरर दिया हुआ है। ड्राइवर साइड के सनवाइजर को देखेंगे तो उसके ड्राइवर साइड सनवाइजर्स के बैक साइड पे भी एक वैनिटी मिरर मिल जाएगा, यानी इसके ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों के लिए वैनिटी मिरर दे रखा है। स्टोरेज स्पेसेस को चेक करेंगे तो ये रहा इस कार का ग्लोब बॉक्स स्टोरेज स्पेस। ये काफी डीप दे रखा है जिसमें इल्यूमिनेशन लाइट भी दी हुई है। ये कूल्ड ग्लोब बॉक्स है, इसको ठंडा रखने के लिए ये देख सकते हैं कि एसी का आउट दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें आप कोई भी सामान को रख के ठंडा बनाए रख सकते हैं। बाकी ये फ्रंट सेंटर कंसोल पे भी आप एक डीप स्टोरेज स्पेस को देख सकते हैं। फ्रंट की दोनों सीटों के बीच में लगा हुआ है एक आर्म रेस्ट जो कि कुशन बेस्ड है और ये विदाउट बॉक्स दिया हुआ है। अब नजर मार लेते हैं इस कार की गियर नॉब लीवर की डिजाइन को। ये पर्टिकुलर वेरिएंट डीजल में है तो इसमें 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है और उसका रिवर्स गियर टॉप में लगता है। इसके नीचे आप देख सकते हैं एक फर्दर लीवर दे रखा है जिसको प्रेस करके फर्स्ट गियर की तरफ लगाएंगे तो लगेगा इसका रिवर्स गियर। बाकी पेट्रोल में ये 5-speed ट्रांसमिशन पे ही मिलेगी। चलिए बात तो हो गई इस कार के लुक्स एंड फीचर्स की, अब चल के इसके इंजन कंपार्टमेंट को भी मैं चेक करवा देता हूँ। ओपन करता हूँ इसके बोनेट को और बोनेट ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें नीचे की तरफ दी हुआ है अंडर बोनेट पैडिंग जो कि लगाई जाती है इंजन की नॉइज को कंट्रोल करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया था ये पर्टिकुलर वेरिएंट डीजल का है, तो ये डीजल का आप इसका इंजन को देख सकते हैं जो कि 1.5 लीटर यानी इसकी इंजन कैपेसिटी है 1461 सीसी, फोर सिलेंडर पे बना हुआ है। मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा 110 पीएस की 3850 आरपीएम पे एंड टॉर्क 240 एनएम का 1750 आरपीएम पे। ये 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको मिलेगी जिसका एआरएस सर्टिफाइड माइलेज है 20.45 किलोमीटर पर लीटर का। इस कार को आप पेट्रोल में भी परचेज कर सकते हैं। इसका पेट्रोल इंजन भी 1.5 लीटर पे बना हुआ है जिसकी इंजन कैपेसिटी है 1498 सीसी। पेट्रोल इंजन भी 4 सिलेंडर पे आता है, मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 106 पीएस की 5600 आरपीएम पे एंड टॉर्क 142 एनएम का 4000 आरपीएम पे। पेट्रोल इंजन 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है जिसका एआरएस सर्टिफाइड माइलेज है 14.23 किलोमीटर पर लीटर का। निसान किक्स एक्सेल आप 7 कलर ऑप्शन में चूज कर सकते हैं, पर्ल व्हाइट, ब्लेड सिल्वर, ब्राउन्स ग्रे, एम्बर ऑरेंज, डीप ब्लू पर्ल, नाइट शेड यानी ब्लैक एंड फायर रेड। चलिए अब नजर मार लेते हैं इस कार के प्राइसिंग्स को भी। तो इसका एक्स शोरूम कॉस्ट पेट्रोल में है 9,55,000 रुपीज का एंड डीजल में 10,85,000 रुपीज। बाकी ऑन रोड प्राइसिंग्स के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा अपने नियरेस्ट निसान डीलरशिप में। सो गाइस, मेरे आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। निसान किक्स का बेस वेरियंट एक्सेल जरूरत के सारे फीचर्स को कवर करता है। मेरा चैनल कार दुनिया ज्यादा कार्स के बेस वेरिएंट्स को कवर करने का प्रयास करता है। ये बात आपको कितनी अच्छी लगती है मेरे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा जरूर। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले और भी मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।